और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई है जोरदार हंगामा शुरू हो गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इससे पहले विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही जो है दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी और अब एक बार फिर दोनों सदनों में ये जोरदार हंगामा। राज्यसभा एक बार फिर से स्थगित करनी पड़ी है। आप देख सकते हैं राज्यसभा फिर से स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा में फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बात जरूर रख रही हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से हो हल्ला बरकरार है। जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से लगातार किया जा रहा है। विपक्ष की मांग यही कि टेनी जो है अजय मिश्रा टेनी उनको बर्खास्त किया जाए। और इस बीच राज्यसभा 3 बजे तक के लिए स्थगित। सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, राज्यसभा स्थगित हो गई है दोपहर 3 बजे तक के लिए और लोकसभा में भी हालात कुछ ऐसे ही क्योंकि विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है। बिल्कुल रोमाना, लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। फिर चाहे वो 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा हो या फिर अजय मिश्रा ट्रेनी जो की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग हो, ये दो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार से जो है मांग कर रहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर अपने जो फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के लगातार जो सुबह भी हमने देखा था कि संसद की कार्रवाई गतिरोध बना रहा और अभी भी वो हुआ है। इस सबके बीच में एक महत्वपूर्ण चीज ये हो रही है, राज्यसभा में इस वक्त अभी ओमिक्रॉन पर चर्चा होनी थी। ओमिक्रॉन जो इसका कोरोना का नया वेरिएंट है उसको लेकर के एक चर्चा होनी थी और उसको लेकर के चेयर की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। अपनी मांगों को लेकर के लगातार यहाँ पर वेल में हंगामा कर रहा है, उसके चलते सदन की कार्यवाही एक बार फिर से 3 बजे तक स्थगित हो गई है। जी बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो सदन नहीं चलने पर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाना साध रहा है, ऐसे में सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है ये आपको सुनवाते हैं। पीयूष गोयल ने कुछ कहा है, सुनिए जरा। बार बार विपक्ष के नेताओं से अनुरोध भी किया है, सदन के अंदर भी किया है, बाहर भी किया है, पत्र लिख के इन्वाइट भी किया, लेकिन उनकी मंशा साफ है, वो सदन नहीं चलने देना चाहते। डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन ही उनका धर्म है, उनका मंत्र है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।